नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच दीपदान किया। इस दीपदान के साथ ही परंपरा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 भी संपन्न हुआ। इस महाआरती की संध्या में दीपोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दीपोत्सव में जहां ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर 2,25,000 दीपक जलाए गए, वहीं कुरुक्षेत्र और 48 कोस के 134 तीर्थ स्थलों पर भी लाखों दीपक जलाए गए। इस समापन समारोह में दीपोत्सव का यह दृश्य अद्भुत और मनोहक रहा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में पुरुषोत्तमपुरा बाग ब्रह्म सरोवर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज, आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश सानंद, नायाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, राज्यपाल की सचिव एवं केडीबी सदस्य सचिव जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डीएस ढेसी, म्यांमार के अम्बेसडर केयान अयुंग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती, वित्त विभाग के टीवीएसएन प्रसाद, उपायुक्त शरणदीप कौर बराड ने मंत्रोच्चारण के बीच विराट महाआरती में भाग लेकर दीपदान भी किया। इस आरती का मंत्रोच्चारण बलराम गौतम ने करवाया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता और ब्रह्म सरोवर आरती से पहले पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण शुरू हो गया। इन श्लोकोच्चारण से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पूरी फिजा गीतामय हो गई। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 2,25,000 दीपकों को रोशन किया गया। इन दीपों की रोशनी से ब्रह्म सरोवर का पूरा तट जगमगा उठा और एक मनमोहक दृश्य नजर आया।